वच्यम केवल पहो है नीचिय दुन्नय तिमिरं चिनम नमः बारहे अंगद की इच्छा दिए दिए मल मूर्तन से तिलैया विवेह चरण पूषा पसियौ सुय देविया सुयरम सयन गणि पौ में रविनो विविहेति विराया संघा नीराया विकुराया गणहर देवा पसी यंतो पसियो महुधर सेनो परवाई गयो दानवर सीहो से धन्तामिय साय तरंग संघाय धो ओय मनो प्रणमामि पोके दंतम दुकेयंतम दुन्नियं दिया अर्दवि भग्य शिव मागे कंठ मिसि समी वयिं सया दंतम पणिमय कह भूये बलिम भूये बलिम केसे पासे परिपूये बलिम बिनी है बम्मय पसिरम वढ़ाविय विमल नाय बम्मय पसिरम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाय नमो वज्रायानम नमो लोये सविसाहुनम ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य सिद्धर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभ पांच खंडों पर आचार्य श्री वीर सिंह स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका, उनमें से पहले खंड जीवोत्थान की टीका सहित अनुवाद संबंधी कृति छह भागों में यानी छह पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद में मार्गनाओं का स्वरूप, नाम उनका स्वरूप, फिर सतादि आठ अनुयोगों के क्रम का औचित्य उनका स्वरूप, फिर
भेद अभेद अपेक्षा से गुणस्थान का स्वरूप, गुणस्थान अतीत सिद्धदेव भगवान का स्वरूप, इन विषयों पर चर्चा के बाद में मार्गना के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, इनका स्वरूप, इनमें गुणस्थान, इन्हीं विषयों पर चर्चा के बाद में योग मार्गना पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें भी योग का स्वरूप, योग के भेदों के अंतर्गत 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग, यहां तक अपनी चर्चा हो गई है। काय योग में 7 में कर्म काय योग के अंतर्गत, चूंकि कर्म काय योग विग्रह गति और केवल ही समता, बस इन दो ही स्थितियों में पाया जाता है, तो विग्रह गति संबंधी चर्चा के बाद में केवल ही समुद्घात संबंधी अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। इसमें विषय यहां तक पहुंच गया है, शंका समाधान के माध्यम से आचार्य से ने पहले तो समुद्घात का विश्लेषण किया, इस सम समीचीन रूप में उत्तरोत्तर आगे आगे अधिक अधिक कर्मों के स्थिति अनुभाग का घात होना और वह अरहंत दशा में 13 में संयोग केवली के उसका नाम है केवली समुद्घात। इसको लेकर के प्रश्न खड़ा किया कि आप कह रहे हैं समुद्घात गत, इसका मतलब समुद्घात पहले हो जाता होगा, बाद में वे उस नाम को पाते होंगे। तो उत्तर दिया ऐसा नहीं है, पर्यायन द्रव्य से कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न होती है, तो कथनचित भिन्नता की अपेक्षा से गम्य गमक भाव बन जाता है, अभिन्नता में नहीं बनता। इसके बाद यह समुद्घात क्यों होता, इसको लेकर के चर्चा करते हुए कहा कि सहेतुक तो नहीं कह सकते, अहेतुक भी कहना पड़ेगा। अहेतुक में कोई अलग से कर्म आदि कारण नहीं है, बस उनकी अपनी योग्यता है। और योग्यता क्या, आयु कर्म की स्थिति कम रहना और नाम गोत्र और वेदनी की स्थिति अधिक रहना, बस यही एक परिस्थिति कि जिसके कारण केवल ही समुद्घात होता है। आचार्य यदि फिर सब स्वामी के अनुसार सभी संयोग केवलियों की ये स्थिति बनेगी, इसलिए सभी के केवल ही समुद्घात होता, परंतु अन्य आचार्यों के अनुसार चूंकि समुद्घातगत केवलियों की संख्या 20 है, इसका मतलब सबके नहीं होता, कुछ के होता। तो किन के होता, कि जिनके वेदनी आदि 3 कर्मों की स्थिति अधिक होगी आयु कर्म से, उनके होगा।
इस पर से फिर प्रश्न खड़ा किया कि अनिवृत्तिकरण परिणामों में सब कुछ समान हो जाता, तो एक कर्मों का स्थिति अनुभव भी समान क्यों नहीं हुआ? उत्तर दिया, अनिवृत्तिकरण परिणाम ये चार त्रिगुण के शुद्ध गुण, तो इन्हें से चार त्रिगुण संबंधी परिणामों में ही समानता आती है, अन्य में समानता नहीं आती। तो अन्य में जो विषमता है वह केवल ही समुद्घात के माध्यम से समानता रूप में परिणमित हो जाती है। यहां तक अपनी चर्चा हो गई है, अब इससे आगे बहुत सुंदर चर्चा कि आपने कहा ये केवल ही समुद्घात संसार विच्छेद के लिए होता, यानी ये हुआ तो बस अंतर मुहूर्त बाद नियम से उनका मोक्ष हो जाना। तो ये संसार विच्छेद के क्या कारण, इनकी चर्चा बहुत सुंदर चर्चा है, प्रायोगिक जीवन में अनुकरणीय अनुसरणीय, पेज नंबर 304 पर अंतिम शंका समाधान। संसार के विच्छेद का क्या कारण है, यानी संसार किन कारणों से नष्ट हो सकता? समाधान, द्वादशांग का ज्ञान, उनमें तीव्र भक्ति, केवल ही समुद्घात और अनिवृत्ति रूप परिणाम, ये सब संसार के विच्छेद के कारण। द्वादशांग का ज्ञान क्यों? आचार्य कल्पंडित टोडरमल जी सार में स्वाध्याय के लाभ बताते हुए सबसे पहला लाभ ही बताया, इससे क्रोध आदि कषाय मंद हो, सामान्य से स्वाध्याय में भी जब ये उपलब्धि तो द्वादशांग के ज्ञान का तो कह नहीं गया, वे तो सुरत केवल उनकी तो तीन चौकड़ी कषाय नष्ट भी हो, और यदि उसी भाव से मुक्त नहीं हुई तो निकट भविष्य में नियम से मुक्त हो जाएंगे। ये पहला कारण, यानी जितना अधिक विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था का ज्ञान स्पष्ट होगा श्रद्धान सहित, उतना मोहराग देश का अभाव होगा, अभाव नहीं हुआ तो मंद होंगे। लोक में जो कहा जाता है आंखों देखी मक्खी कोई नहीं खा सकता, अब उसे मक्खी नहीं लगे तो बात अलग है, पर भी लग रही कि मक्खी तो कोई नहीं खा सकता। ऐसे ही विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था को दृढ़ता से समझ लिया तो अब उसके विरुद्ध आचरण नहीं हो सकता। जब विरुद्ध आचरण नहीं होगा तो नियम से निरपराध दशा रहेगी, परोन्मुखी वृत्ति उत्तरोत्तर कम होगी, जब परोन्मुखी वृत्ति कम होगी कर्मबंधन भी कम होगा तो उदय भी कम, और होते होते एक क्षण ऐसा आएगा कि जिसमें पूरा का पूरा बंधन नष्ट और मोक्ष दशा की प्रकट होगा। दूसरे कि कदाचित ज्ञान करने की उतनी योग्यता नहीं है, ज्ञान का उघाड़ ही दे तो फिर उनमें तीव्र भक्ति, यानी भले ही हमें विषय समझ में नहीं आता तथापि
जो कहा गया है वह पूर्णतया सत्य, अनुकरणीय, अनुसरणीय, उसमें ननु नच के लिए कोई अवसर नहीं है। फिर उसमें समझौता, समन्वय, संधि, इन सब के लिए कोई अवसर नहीं। वह दो दो चार जैसा परम सत्य है, इसलिए सर्वांग स्वीकार करने योग्य। इस तरह का बहुत तीव्र बहुमान का भाव, इसका नाम उनमें तीव्र भक्ति, और इससे भी संसार की स्थिति कम हो जाती है। ये जो अष्ट प्रवचन मातृका मात्र के ज्ञान वाले, और वे भी पूर्ण वितरागी बन जाते अंतर मुहूर्त में सर्वप्र, वे माते इसी के बल पर। तीसरा कारण केवल ही समुद्घात, कि कदाचित तीन आघाती कर्मों का स्थिति अनुभाग ज्यादा हो तो केवल ही समुद्घात के माध्यम से आयु कर्म के बराबर बचेगा और अंतर मुहूर्त बाद मुक्त हो जाएंगे। और चौथा अनिवृत्ति रूप परिणाम, यानी अनिवृत्ति करण, मूल सबसे अंतिम नौमे गुण स्थान, उसके पहले के पूर्णतया नष्ट करने में सक्षम नहीं होते हैं। नौमे गुण स्थान वाले अनिवृत्तिकरण परिणाम वे भी छपक से ही वाले हों तो नियम से संसार का विच्छेद होना। तो ये चार कारण संसार के विच्छेद के यहाँ बताए गए। केवल ही समुद्घात भले अपने वश की बात नहीं, अनिवृत्ति रूप परिणाम छपक चढ़ने वाली ये भी अपने वश की बात नहीं, परंतु द्वादशांग के ज्ञान के संदर्भ में जितना जो अभी जिनागम उपलब्ध यथाशक्ति तीव्र विनय बहुमान पूर्वक उसका ज्ञान, उसमें निरंतर उपयोग लगाए रहना, ये तो कर ही सकते आत्मानुशासन में। पद्य लिखा आचार्य गुणभद्र स्वामी ने, वहां में ऐसा लिखते हैं, मन मरकट है, मूल में मरकट शब्द का प्रयोग, मरकट यानी होता बंदर, स्वभाव से ही चंचल, तो मन भी बंदर जैसा चंचल। बंदर की शैतानी समाप्त करनी हो तो एक ही उपाय, उसको घने जंगल में छोड़ दो, तो आराम से इस पेड़ से उस पेड़ पर, इस डाली से उस डाली पर, तो बाकी शैतानी बची रहे, वही पेड़ों पर ही जल कूद करता रहेगा, बाकी बदल नहीं होता। ऐसे मन रूपी बंदर को यदि अनावश्यक विषय कषाय से बचाना तो क्या उपाय, कि जिनागम रूपी गहन बल में छोड़ दो, इसमें लगा रहेगा तो व्यर्थ के विषय कषाय से बच जाएगा, दुख दर्द से भी बच जाएगा। अपने यहां तो कई उदाहरण ऐसे हैं कि जिनागम के अभ्यास के प्रतिफल में बिना बेहोशी के बड़े बड़े ऑपरेशन संपन्न हुए। इतना ही नहीं, एक अपने जैनीतर का, शायद रविन्द्रनाथ टैगोर का है, किनका, उनको भी ऐसे कोई बीमारी, तो उन्हें तो कोई जैन धर्म का नहीं था, गणित में बहुत माहिर, डॉक्टर बोला बिना ऑपरेशन के तो नहीं करेंगे, क्यों, खतरा है। तो बोले आप बिल्कुल जैसी स्थिति में मुझे रख देंगे जब तक
आप नहीं कहेंगे कि उठिए तब तक मैं हिलूंगा नहीं। और उन्हें एक बहुत क्लिष्ट गणित अपने मन में बसा लिया, करते रहे, पूरा ऑपरेशन हो गया हिलिंग। एक कर्णानुयोग के तो विषय ऐसी कि मन दम जाए तो घंटों घंटों कवच निकल गए, पता ही नहीं लगेगा। ये दूसरी पुस्तक में जो आलाप अधिकार आने वाला, बस उसके कुछ गुण सूत्र रहते हैं, यानी एक प्रकार की उसकी रीति नीति टेक्निक, वो अपने को यदि समझ में आ जाए तो घंटों घंटों कब निकल गए। और बहुत रुचि से, इतना सुंदर विषय। तो ये मन रूपी बंदर यही बच सकता विषय कृष्ण से, दुख दर्द से, अन्यथा तो परेशान करना। तो ये अपन कर सकते, कदाचित ज्ञान का उघार नहीं हो, याद नहीं रहता हो, तो उसकी भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दो तरह से, एक तो ये कि याद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, जितनी देर इसके पढ़ने सुनने में मन लगाया उतनी देर को तो विषय कषाय से बचे रहेंगे, अनावश्यक परोन्मुखी वृत्ति से बची रहे, ये भी कम उपलब्धि नहीं है। एक दूसरे, याद रखने का भी यही उपाय, किसी भी विषय में बारंबार उपयोग लगता है तो कालांतर में वह याद हो जाता है। ये देखो अपन स्वयं अनुभव करते, पूजन आदि किनने बैठ के रखी, बैठ के रखी कैसे हो गई? तो जब पूजन रोज पढ़ने से याद हो गई तो ये रोज पढ़ने से याद नहीं होगा, नियम तो ये कहेंगे। यानी ये सहज मनोवृत्ति कि आप रोज उसमें उपयोग लगाएंगे तो धीरे धीरे याद होगा। तो वो तो कोई सा भी विषय है, इसमें उपयोग लगाएंगे तो ये याद हो जाएगा, पूजन में उपयोग लगाए तो वो याद हो, भक्ति में उपयोग लगाया वो याद हो, और घर गृहस्थी में उपयोग लगाओगे तो वो याद बना रहेगा। यानी मनोविज्ञान तो ये कही कि जिसमें आप बारंबार उपयोग लगाएंगे वो चीज ही याद। ऐसे ही पक्के, देखो मनोविज्ञान कितना गजब का अपने हित में, जो चीज रट रट करके याद करते हैं ना टिकती नहीं है। कदाचित परीक्षा के लिए तो बस वो परीक्षा तक ही सीमित रहती, फिर साफ हो जाती। और ऐसे पाठ के माध्यम से जो याद हुई पूरी जिंदगी नहीं हुई, इतना कमाल। तो कहां घाटा है, इन्हें जितना समय उसमें लगा भले ही समझ में नहीं आए, पर समय हमने दिया ना, तो उतने समय तक अनर्गल विषय कषायों से अपन बचे रहे, ये तत्काल का लाभ। और बारंबार उसी विषय में उपयोग लगाएंगे तो याद भी हो जाएगा, तो ज्ञान वृद्धि का भी लाभ। कदाचित नहीं याद रहे तो भी तीव्र भक्ति, यद्यपि ऐतिहासिक शोध खोज का विषय है तो पूर्णतया शत प्रतिशत सत्य के आधार से तो नहीं कह सकते, फिर भी जैसा जो प्रसिद्ध कि वो
कौंडेश ग्वाला ही आचार्य कुनकुन स्वामी बना, ज्ञान प्रबोध आदि ग्रंथों के माध्यम से ये प्रसिद्ध। उसे जो वो पेड़ के उत्तर में ग्रंथ मिला, पूरा जंगल चल गया, वो पेड़ हरा हुआ, आश्चर्यचकित, ये कैसे बच गया? मतलब पूरा जंगल जब जल गया तो ये एक पेड़ कैसे बच गया? अवश्य कोई चमत्कार होना चाहिए। जाके देखा तो उसकी कोटर में ग्रंथ विराजमान था। अरे इनका महा, ये कोई अद्भुत अद्भुत चीज है, बहुत भक्ति से ले आया। पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर अवश्य बहुत महिमावान चीज है। शेठ जी के घर में उच्चासन पे विराजमान किया और रोज पूजन करने लगा। पढ़ा लिखा तो था नहीं, समझता तो कुछ नहीं, फूल आदि चढ़ाने लगा, ढोक देने लगा। एक बार महाराज जी का आरवा ने सेठ किया, इसने ये घटना बताई और महाराज जी को देकर के कहा, हम तो बिना पढ़े लिखे पर वो पेड़ बचाई, इसका ही चमत्कार, तो आप बताइए इसमें क्या लिखा। उन्हें समझाया, फिर ये कहा, आज तुमने बहुत बड़े दो कार्य, एक तो ज्ञान दान दिया, शास्त्र ज्ञान के उपकरण, और दूसरे उत्कृष्ट पात्र को मुनिराज उत्कृष्ट पात्र माने जाते। इसके फल में उत्कृष्ट हो गए और जो लेख मिलते तो ऐसा आता कि वही कौंडेश आगे मरण करके उसी सेठ का बेटा हुआ और फिर वे कुंदा चाहिए। अपन विचार करें, 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने कितने पढ़ पाए होंगे? आज 11 वर्ष का बच्चा ज्यादा से ज्यादा छठवीं कक्षा में, ज्यादा से ज्यादा कितना पढ़ लेंगे? पढ़ लिखे 84 पाव लिखे, प्राकृत व्याकरण संगत ने कहीं भी व्याकरण संबंधी एक भी गलती, पूर्ण लयबद्ध था, कहां से कि भोजो बहुमान का भाव, तीव्र भक्ति का भाव, उसका फल। तो ये तो अपन कर ही सकते, यानी विषय समझ में नहीं आए ना सर, पर ये तीन लोक के नाथ की वाणी नियम से अद्भुत अंतर, ये किसी रस्ते चलने वाले की वाणी नहीं है, देवादेव की वाणी। गुरुदेव से जब कभी ऐसे प्रसंग आते तो बहुत भावुक होकर के, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, सौ सौ इंद्रों की उपस्थिति में गंधर्व देव भी जिनके सामने हाथ जोड़े खड़े, वहां ये बता रहे हैं कैसी होगी वो वाणी, सौ सौ इंद्रों की साक्षी में वो वाणी है। तो तीव्र भक्ति तो अपने मन में ला ही सकते, ये एरे एरे व्यक्तियों की बात नहीं है, तीन लोग के नाथ की, देवाधिदेव के। प्रश्न ये है कि 8 साल से कम उम्र वाला बच्चा अभिषेक नहीं कर सकता, तो इसका कोई शास्त्र आधार है क्या? शास्त्र आधार यही कि चूंकि गर्भ काल से सहित 8 वर्ष तक ना सम्यक्त्व प्राप्ति,
ना दीक्षा की ही योग्यता, ना मुनिराजों के आहार। तो उससे ही फिर अर्थ निकाला कि भगवान के प्रक्षाल की भी योग्यता, और लिखा हुआ कि चूंकि पहले प्रक्षाल चलते ही नहीं था तो लिखें क्या, यानी सम्यक तो हमेशा होता रहा। वो लिखा, दीक्षाएं हमेशा से हो रही, वो लिखा, मुनिराजों को आहार भी हमेशा से दिया जा रहा, वो लिखा। प्रक्षाल की तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, क्योंकि आज जिस तरह से मंदिर बन गए नगर के बीच में, समाज के बीच में, पहले ऐसे नहीं होते थे। जंगलों में होते, पर्वतों में होते, पर्वतों पर तो कभी कोई गए तो कर लिए साफ सफाई, बाकी रोज का काम नहीं था। तो वो घटना चूंकि हमेशा होती नहीं थी तो उसका उल्लेख नहीं, पर इन चीजों का उल्लेख है। तो उससे फिर निष्कर्ष ये निकालना कि जब मुनिराज श्री को आहार नहीं दे सकता तो तीन लोग के नाथ का प्रक्षाल कैसे करेगा। कितने ही अर्थ फलितार्थ रूप में निकालने पर, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती तो हर चीज का उल्लेख जिनागम में मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं अपने ना अवक्ष में भी ये सब कहाँ लिखा के अल्पयादिन था, कहाँ लिखा, पहले चलते ही नहीं थे तो लिखें क्या। तो जमीन का अंदर लिखा ना, जमीन के अंदर जो जो होते हैं वे सब अनंत काल, ये लिखा है। आलू प्याज भी जमीन के अंदर होते, वे फलितार्थ हम निकाले। बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी कि जो आपको फलितार्थ से स्वीकार करनी पड़े। क्यों? कि पहले चलती नहीं थी तो नाम कैसे बताते, पर जो सिद्धांतों ने बताया उसके आधार से अपन अर्थ निकाल सकते। तो चूंकि ये लिखा हुआ कि 8 वर्ष से कम उम्र वाला मुनि महाराज को आहार नहीं दे सकता, समय तो प्राप्त नहीं कर सकता, दीक्षा नहीं ले सकता, तो उससे अपन ने फलतार्थ निकाला कि इसका मतलब भगवान का प्रक्षाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान तो मुनि महाराज से और बड़े। तो जो उनमें तीव्र भक्ति, इसके लिए तो कोई भी अपेक्षा भी नहीं, यानी ज्ञान का उगाड़ अधिक नहीं हुआ हो तो भी, कदाचित अंधे हो गए हो तो भी, यानी भक्ति में क्या फर्क पड़े। ये पूर्णतया स्वतंत्र स्वाधीन क्रिया, इन दो को तो अपन पूरी ईमानदारी से अपना ही सकते, तो अपनाने का प्रयास करना ही चाहिए। यानी जितना भी चिरागम उपलब्ध है उसके अध्ययन आदि के प्रति कभी भी उपेक्षा भाव नहीं, चारवन योगों के संदर्भ, और तीव्र भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक, बहुमान पूर्वक, क्योंकि ये तीन लोग के नाथ की वाणी है, ये देवादेव की वाणी है, ये 100-100 इंद्रों के बीच में 63 दि संपन्न गणधर देव की साक्षी में वीतरागी सर्वज्ञ भगवान भी वो वाणी। तो तीव्र भक्ति पूर्वक पढ़ना चाहिए, इतना तो कर ही सकते। ये सब कारण संसार के विच्छेद के कारण होते, संसार का किनारा नजदीक आता है, कर्म बंध में अल्पता आएगी। परंतु ये सब कारण समस्त जीवों में संभव नहीं है, क्योंकि 10 पूर्व और 9 पूर्व के धारी जीवों का भी
शपक श्रेणी पर चढ़ना देखा जाता है। अरे नौ पुर दस पुर तो दूर, मात अष्टप्रचन मातृका वाले भी शपक श्रेणी चढ़ जाते। अतः वहां पर संसार व्यक्ति के समान कर्म स्थिति नहीं पाई जाती। संसार व्यक्ति आयु कर उसके यानी संसार में जब तक रहना आयु कर तो उसके समान वेदनी आदि की स्थिति नहीं। क्यों? क्योंकि द्वादशांकिक ज्ञान के माध्यम से संसार का अभाव होना था, इनके उठाई नहीं। कदाचित भक्ति में भी अंतर रहा हो। इस प्रकार अंतर मुहूर्त में नियम से निपतन स्वभाव वाले ऐसे पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण या संख्यात आवली प्रमाण स्थिति कांडकों का निपतन करते हुए कितने ही जीव समुद्घात के बिना ही आयु के समान शेष कर्मों को कर लेते। यानी बाकी जो कारण थे द्वादशांग का ज्ञान, उनमें तीव्र भक्ति और अनृत्य रूप परिणाम, तो कितने ही जीवों के तो इनका निमित्त पाकर वेदनी आदि कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाती। ये जो चार कारण बताए जिनमें से अपन ने दो पर विशेष चर्चा की, क्योंकि वे दो अपने में अभी अपन अपना सकते बहुत गंभीरता से विचार करें। आपने गिलास से पानी पिया हो, पूरा नहीं पिया, थोड़ी देर बाद पिएंगे। गिलास इतना है कि आपका जो वो 100 रुपए का नोट है उससे आराम से ढक जाएगा। देखो क्यों बर्तन बर्तन से ढकेंगे, जो गिलास है तो उसमें कतो इसको ढकेंगे। नोट से ढकने में क्या दिक्कत? ढके नहीं जाता। क्यों क्या दिक्कत है? नोट नोट इस काम में कौन आएंगे? और आप देखना ऑनलाइन में जो वीडियो खोल के बैठ जाते और ऐसी हरकतें भी करते रहते। देख वीडियो चालू प्रथम सुंदर बराबर शास्त्र में वही छोटी छोटी पुस्तकें भी रखी अपने जन सिद्धांत ये पानी पी रहा है। शास्त्र बराबर खोलो पानी पी रहा है। अब वो गिलास में नहीं रख दिया, वो जन सिद्धांत प्रवेश का उठा के उसको झूठे विवेक नहीं, उनको मालूम नहीं। ऐसा स्वाध्याय क्या निहाल करेगा उनसे? कोरस सुनना कर्णेन्द्र का विषय, किनकी वाणी कितनी विनम्रता, यानी झूठे गिलास पर नोट नहीं ढकेगा। क्यों? सवड़ गया तो वो नोट गीला हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। 100 रुपये का ही जिनमें उनकी क्या कीमत मिल जाती है? ये हालत है। इन्हें भक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, कोई चीज लगती ही नहीं है। सके तीन लोग के नाथ की बात बहुत गंभीरता से विचार है। ये तीन लोक के नाथ देवाधिदेव की वाणी कितना बहुमान चाहिए? उस 100 के नोट का बहुमान आता, वो गीला ना हो जाए तो उस पुस्तक का बहुमान नहीं आता।
और बिल्कुल वो पॉकेट साइज में तब तक कह नहीं गया, पॉकेट साइज बंद थी दक्षिण पॉकेट में। उन्हीं से बाथरूम आदि भी जा रहे, वो रखिए जेब में। लगता ही नहीं ये तीन लोग के नाथ की सौ सौ इंद्रों के बीच में भगवान ने सब बताया, वो लिपिबद्ध है। विराटता का भी डर नहीं रहा, भौतिकवाद ऐसा छा रहा कि लगते ही नहीं कि कुछ प्रभाव है और वहां हमें इसे भोगना पड़े। इतनी विसंगति, बहुत गहराई से इस बात पर विचार करना। यहां तो कह रहे हैं उनमें तीव्र भक्ति भी संसार विच्छेद का कारण बन जाती, तो वो कौंडिस का उदाहरण है ही, और भी जो मात्र अष्ट प्रजन मातृका का ज्ञान लेकर के बारहवें तक पहुंच गए, तो तीव्र भक्ति से ही तो पहुंच गए, ज्ञान तो ज्यादा था नहीं। यानी याद नहीं रह रहा, कदाचित इसमें आप अपनी असमर्थता बता सकते। सब क्या करें, हम बहुत प्रयास करते याद ही नहीं रहती, तो इसमें असमर्थता बता सकते, बात सुनी जा सकती, पर तीव्र भक्ति में, बहुमान में, विनय में, उसमें कौन सी असमर्थता। चाहे जैसे हाथों से जिनवाणी नहीं छुए, चाहे जहां नहीं रखें, चाहे जैसे नहीं रखें, इसमें क्या असमर्थता, कौन सा आवश्यकता अनुष्ठान। और यहां कह रहे भी कर्म चैखक का, बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। चलिए, तो जिनके ये सब नहीं हुआ तो उनके अघाती कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर नहीं हुई, और जिनके हो गया तो उनकी स्थिति बराबर हो जाती, तो फिर उन्हें समुद्घात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तथा कितने ही जीव समुद्घात के द्वारा शेष कर्मों को आयु कर्म के समान करते हैं, यानी ये कार्य नहीं हो पाए तो फिर समुद्घात के द्वारा काम होगा। परंतु यह संसार का घात केवल ही मैं पहले संभव नहीं है, क्योंकि पहले स्थिति कांडक के घात के समान सभी जीवों के समान परिणाम पाए जाते हैं। यानी वे चाहे कि अब समुद्घात करना ही है तो अभी अभी केवल ज्ञान प्रकट होगा, वो मान लो आठ वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त के बाद ही हो गया और आयु है उनकी उत्कृष्ट, यानी एक कोटि पूर्व। तो सोचिए हम एक कोटि पूर्व के अंतिम अंतर मुहूर्त में करना, वो काम पहले ही निपटा हूं। तो यहाँ की बात कहाँ है, ये कह रहे हैं कि वो ऐसा होने वाला नहीं, उनके हाथ में नहीं, वो तो अंत में ही होगा, पहले कर ले ये संभव शंका। जबकि परिणामों में कोई अतिशय नहीं पाया जाता है, अर्थात सभी केवलियों के परिणाम समान होते हैं, तो पीछे भी संसार का घात मत हो, यानी सभी एक जैसे भीतरा, एक जैसे सर्वज्ञ, चाय नाम की चीज नहीं रही तो चाय करके कुछ करने इसके लिए अवसर ही नहीं, सबकी एक जैसी भीतराग्ता सर्वज्ञता। तो जो काम बाकी जीवन में नहीं हो पाया वो अंत में क्यों हो जाता,
वो हमें नहीं होना चाहिए, क्यों? अनंत चतुष्टय तो हुआ ही, नौ केवल लब्धि तो हुआ ही, समाधान नहीं, क्योंकि वीतराग रूप परिणामों के समान रहने पर भी अंतर मुहूर्त प्रमाण आयु कर्म की अपेक्षा से आत्मा के उत्पन्न हुए अन्य विशिष्ट परिणामों से संसार का घात बन जाता। वहां भी अवधिक भाव चल रहे ना इन चार आघाती कर्म के उदय संबंध, तो उनमें ही कुछ इस तरह की योग्यता जागृत हो जाती है जिसके फल में जब आयु कर्म अंतर मुहूर्त बचता उस समय समुद्घात की स्थिति बन जाएगी। यानी करने के लिए अवसर नहीं, सहज होगा, क्रियमाण नहीं है, भूयमान। शंका, अन्य आचार्यों के द्वारा नहीं व्याख्यान किए गए इस अर्थ का इस प्रकार व्याख्यान करने वाले आचार्य सूत्र के विरुद्ध जा रहे हैं, ऐसा क्यों ना माना जाए? क्या कहना चाहे? यदि वृषभ स्वामी ने ये कहा था सभी केवल ही करते, अभी आपने जो निर्णय दिया उसका खंडन हो गया। दूसरे अन्य आचार्य ने जो ये कहा कि संसार विच्छेद का कारण द्वादशांग का ज्ञान, उनमें तीव्र भक्ति और अनवृत्ति रूप परिणाम, इनका भी खंडन हो गया। और आपने तो बस केवल ही समुद्घात पर जोर दे दिया, तो अन्य आचार्यों का तो विरोध हो रहा ना इससे, तो आप उनसे हट करके बोल रहे हैं, ये क्यों ना माना जाए? समाधान नहीं, क्योंकि वर्ष पृथक्त्व के अंतराल का प्रतिपादन करने वाले सूत्र के वशवर्ती आचार्यों का ही पूर्वोक्त कथन से विरोध आता है। क्या कहना चाहते हैं? हम विरोध कर रहे नहीं, ये तो जिन्होंने ये कहा कि वर्ष पृथक्त्व के अंतर्गत 20 केवली समुद्घात वाले हो, तो वो तो बात वहीं से टकरा रहा है। यानी यदि वे सब स्वामी लिख रहे हैं कि प्रत्येक केवली के केवली समुद्घात होगा, और अन्यत्र लिखा कि वर्ष पृथक्त्व के अंतर्गत 20 ही समुद्घात वाले, तो बात हमारे कथन से टकरा रही, ऐसा थोड़ी, वो तो मूल कथन से ही टकरा रही। तो शिकायत करना है तो उनसे करो, या पे ऐसा उल्टा उल्टा टकराने वाला क्यों नहीं है? शंका, छह माह प्रमाण आयु कर्म के शेष रहने पर जिस जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह समुद्घात को करके ही मुक्त होता है, शेष जीव समुद्घात करते भी हैं और नहीं भी करते? शंका, इस गाथा का उपदेश क्यों नहीं गिरी? गाथा 305 पेज पर 167 में, ऐसे भी कम ही प्रसंग मिलेंगे जिनमें शंका को गाथा द्वारा प्रस्तुत किया, ने समाधान गाथा द्वारा प्रस्तुत किया, ये तो बहुत मिलेंगे, तो शंका को भी गाथा द्वारा प्रस्तुत किया ये अभी तक के में तो पहला अवसर। पढ़ते हैं गाथा 305 पेज पर 167 में। छम्मा सा
मास क्षमासा उभशेषे उपन्नम जस्य केवलम् ज्ञानम् ससमुखावोषिच्छन् शेष भज्या सम्मुखाय छह माह प्रमाण आयु कर्म के शेष रहने पर जिस जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह समुद्रघात को करके ही मुक्त होता। शेष जीव समुद्रघात करते भी हैं और नहीं भी करते, ऐसा भी एक उल्लेख। इस गाथा का उपदेश क्यों नहीं ग्रहण किया? यानी सभी करते, इस संदर्भ में आपने यतिव सब स्वामी को तो याद कर लिया चूनी सूत्र को, पर ये भी गाथा पाई जा रही है, ये उल्लेख है, इसके संदर्भ में तो आप मुमन रहे, इसे याद क्यों नहीं किया? समाधान, नहीं, क्योंकि इस प्रकार विकल्प के मानने में कोई कारण नहीं पाया जाता है, इसलिए पूर्वोक्त गाथा का उपदेश नहीं ग्रहण, यानी इसका आधार नहीं। छह माह आयु शेष रहे तो केवल समुद्रघात होगा, और ज्यादा हो तो हो भी, इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया। अब कैसे इसके लिए गाथा 306 पेज पर गाथा 168 में जेसिम आउ समायिम नामा गोदानी ते अकय समोघाया वच्चन्त्यरे समोघा। जिन जीवों के नाम गोत्र और वेदनीय कर्म की स्थिति आयु कर्म के समान होती है वे समुद्रघात नहीं करके ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। दूसरे जीव समुद्रघात करके ही मुक्त होते, ये गाथा है जो नियम बता रहे हैं। किन के समुद्रघात नहीं होगा? यदि उनके वेदनी आदि तीन कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर तो समुद्रघात नहीं होगा, और आयु कर्म से अधिक है तो समुद्रघात होगा। एक कहूं बात, मोबाइल में रखना शास्त्र का, क्यों छुड़ जाते हैं? क्यों जिम्मेवारी भी है? आप बताइए ना, सोचिए। जिनकी वाणी है उसके ऊपर मोबाइल रखो, और उसमें तो सब तरह का मैटर भरा रहता, आपकी लस्ती क्या क्या नहीं भर। मैंने खोलो तो मांस वाले भी व्यंजन और आलू प्याज वाले भी व्यंजन क्या क्या नहीं आ जाते, और अपन 24 घंटे लिए रहते, कोई धोते तो ये नहीं, चाहे जैसे हाथ तो छूते रहते, चाहे जब जमीन पे भी रख देते, उसमें भी भरा है सब कुछ, और ऐसे भी उसको धोते नहीं, इसलिए मैंने बहुत अशुद्ध चीज है। ऐसे चश्मा आदि भी, एक चश्मा का कवर आदि भी नहीं, तो धुलते कहाँ, चाय जहां रख देते हैं। वो पैर की भी बात आई थी ना, वो भी इसीलिए अपन उन्हीं पैरों से चल रहे हैं। तलवा दंडा, तो तलवे पर अपने ही कपड़े आए, अपना
बिस्तर बिछाओ हो, रजाई रखी हो, चद्दर रखा हो, और उसे भी छोटे बच्चे उचल दें। घर में ही थे, बाहर से नहीं, पर उसको उचलते हुए निकल गया। ओढ़ने का भाव आए क्यों? तब हुआ जमीन को सब छू रहा था, सारी गंदगी, तो वो चद्दर अब ओढ़ने का भाव नहीं आया। अपने तो तलवे से कपड़े छू गए, वो कपड़ा उस पे ही आ गए, तो वो कपड़ा कितना गंदा हो गया। अब उनसे फिर अपन कैसे छुए? ये जो मूल रास्ता होती है वहां बैठना भी उचित नहीं माना जाता, भले हो साफ सफाई। क्यों? सबकी लत्याई हुई जी जगह तो गंदगी रहेगी, हमारी शुभता खत्म होगी। वो सब तलवे से ही हमारे कपड़े छू दो, तलवे से ही कपड़े छुए तो क्या? तीन लोग के नाथ की वाणी, एक ख्याल में रहे तो बुद्धि अपने आप सक्रिय हो जाएगी, क्या करना और करना। उल्टी रखनी डायरी, डायरी उल्टी ऐसी रखो ना, ये सीधी है। अरे रोटी सेक के उल्टी रखे ना, तो दादी और माँ सब खटिया खड़ी कर देती, पूरी आदि तल रहे हो, तल के निकाली उल्टी रख दो, डांट पड़ती। अनिकी जी उल्टी रख, सीधी रख, अपन उतर करें क्या फर्क पड़ेगा? उल्टी रोटी पे घी चुपड़ दिया तो कोई बेस्वाद हो जाएगी, सीधी पे चुपड़ा तो कुछ ज्यादा स्वाद आएगा। तर्क करके देखना कभी अपनी माँ से, क्यों उल्टी सीधी के चक्कर में होने से? अरे वही रोटी पेट में जानी, वही घी पेट में जाएगा, तो क्या उल्टा और क्या सीधा चलेगा? लोक में कितनी विनय, नहीं को सीधी उल्टी, देखो सीधी रखो, उल्टी नहीं चलेगी, सीधी पे घी चुपड़ो, उल्टे पे नहीं। ये जो बात कायत है इसको बहुत गंभीरता से विचार करना, उनमें तीव्र भक्ति, क्योंकि जिनके प्रति तीव्र भक्ति होती किसी भी प्रकार से अभिनय नहीं हो सकता, तीव्र बहुमान का भाव है। चलिए तो क्या कहा कि मूल कारण फिर क्या, कि बस एक ही, आयु कर्म के समान यदि वेदनी कर्म आदि की स्थिति नहीं है तो उनके केवल ही समुद्भा तो होगा, और यदि पहले से ही आयु कर्म के समान स्थिति है तो केवल ही समुद्रात नहीं होगा, ना वो 6 महीने वाली बात उचित है, ना सबके होता ये उचित है, और ना ही इन 4 कारणों से हो जाती है समानता, इनके क्यों नहीं हुई ये भी कोई तर्क नहीं है। तो जिन जीवों के नाम गोत्र वेदनी कर्म की स्थिति आयु कर्म के समान होती है, वे समुद्घात नहीं करके ही मुक्ति को प्राप्त होते। दूसरे जीव
समुद्घात करके ही मुक्त होते हैं। ये नियम कोई नहीं सकता, इसलिए जब आपने आयु कर्म के समान किया, आयु कर्म की स्थिति रहेगी अंतर्मुहूर्त, बाकी की भी अंतर्मुहूर्त रहेगी, कम ज्यादा कैसी होगी? यदि कम ज्यादा है तो आयु कर्म के समान कहाँ हो? नहीं तो वो नहीं कह रहे हैं, अपन तो ये कह रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं, एक मैंने लाइन दो इंच की थी, बाकी लाइन कोई तीन इंच की है, कोई चार इंच की है, कोई पांच इंच की। अब कहा कि इन सबको एक बराबर कर, तो एक बराबर कर दो, मतलब हमने कहा जो दो इंच वाली पहली लाइन है इसके बराबर कर, तो इसके बराबर कब कहलाएंगे? कि वो तीन इंच वाली भी दो इंच वाली, चार वाली भी दो पर, और पांच वाली भी दो, तब बराबर कहेंगे। ये नहीं चलेगा कि दूसरी लाइन का मात्र एक इंच कम किया तो तीसरी का भी एक इंच ही कम करें, चौथे का भी एक इंच, तो बराबर कहाँ होंगे? बराबर का मतलब हो कि जितना भी कम करना पड़े पर बस दो इंच बराबर रखना, चाहे आपको चार इंच कम करना पड़े हो चाहे एक इंच कम करना पड़े। ऐसे ही यहाँ वेदनी आदि तीन कर्मों का कितना भी कम करना पर आयु कर्म के बराबर रहना चाहिए, तो उनका अधिक हो तो भी कम होगा, तो कम हो तो भी कम होगा, यानी मूल बराबरी अंतर मूल से। अब उनकी कितनी अधिक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ मूल कारण बता दिया कि असली कारण जिनके वेदनीय आदि तीन कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान होती है, उनके केवल ये समुद्घात नहीं होता, और जिनके समान नहीं होते उनके केवल ही समुद्घात होता। अब वो चाहे छह महीने पहले केवल ज्ञान हुआ हो, कभी हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार पूर्वोक्त गाथा में कहे गए अभिप्राय को तो किन्हीं जीवों के समुद्घात होने में और किन्हीं जीवों के समुद्घात के नहीं होने में कारण कहा नहीं जा सकता, पूर्वोक्त मतलब छह महीने वाला, क्योंकि संपूर्ण जीवों में समान अनवृत्ति रूप परिणामों के द्वारा कर्म स्थितियों का घात पाया जाता है, अतः उनका आयु के समान होने में विरोध आता है, यह भी है। दूसरे छीन कषाय गुणस्थान के चरम समय में तीन अघातिया कर्मों का जघन्य स्थिति सत्व पल्योपम के असंख्यात में भाग सभी जीवों के लिए पाया जाता, इसलिए भी पूर्वोक्त अर्थ
ठीक प्रतीत नहीं होता। ये तो सबके। अब जो भी तेरहवें गुण स्थान में रहे वहां ही अपकर्षण आदि होकर के यदि नाम गोत्र वेदनी कर्म की स्थिति अंत में मात्र अंतर्मुहूर्त रह गई तो फिर केवली समुद्घात नहीं होगा, और कदाचित नहीं रही तो फिर केवली समुद्घात होगा। अभी चूंकि तर्क दिया ना, अब इसको लेके शंका। आगम तो तर्क का विषय नहीं है, तो खास करके करनानुयुक्त और उसका नाम ही अहेतुवाद आगम। आगम प्रमाण अलग है, तर्क प्रमाण अलग है, तो एक प्रमाण को दूसरे प्रमाण से पुष्ट थोड़ी किया जाता है। तो आगम तो तर्क का विषय नहीं है, इसलिए इस प्रकार तर्क के बल से पूर्वोक्त गाथाओं के अभिप्राय का खंडन करना उचित नहीं है। आपने जो 6 महीने वालों का खंडन कर दिया, यदि वे सब स्वामी की वाली कथन का भी खंडन कर दिया तर्क से, आगम तो कोई दिया नहीं समाधान, क्योंकि इन दोनों गाथाओं का आगम रूप से नहीं होगा, अथवा यदि इन दोनों गाथाओं का आगम रूप से निर्णय हो जाने पर इनका ही ग्रहण रहा, क्या कहना चाह रहे, पहली बात तो इनमें से कौन सही और कौन सही नहीं, यह दोनों गाथाओं में तर्क से ही बताया। मैंने उन्हें कहा था 6 महीने शेष रहने पर केवल ज्ञान हो तो केवल होगा, और अन्य कहा वो नहीं हो कोई नियम नहीं, 6 माह आयु कर्म रहे तो समुद्घात होगा, अन्य का नियम नहीं। तो ये तर्क ही तो दिया 6 माह, आगम तो नहीं, और हमने जो कहा था प्रस्तुत की वो भी तर्क। तो चूंकि इस संबंधी आगम हमें उपलब्ध नहीं, तो आपने जो तर्क दिया हमने भी तर्क दे दिए, तो उस तर्क का आप खंडन कर सकते हैं। तो एक दूसरे इन दोनों गाथाओं का आगम रूप से निर्णय हो जाने पर इनका ही ग्रहण रहा, अभी यानी यदि कहो कि दोनों आगम हमें स्वीकार, फिर कौन सा सही ये निर्णय केवल भगवान देगी, हम तो दोनों को मानेंगे। एक धारा ऐसा कहती है, एक धारा ऐसा कहती है, तो वास्तविकता सर्वज्ञ भगवान जाने, हमें तो दोनों आचार्य पूर्ण प्रामाणिक, हम अपने ज्ञान से निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए उस पर तर्क नहीं जाएंगे। इस तरह से केवल ही समुद्घात संबंध बहुत सुंदर चर्चा करके अन्य अन्य मान्यताओं का विश्लेषण भी किया और सामंजस्य भी बिठाया कि हम किसी मान्यता का खंडन करने के लिए नहीं बैठे, हमने तो मात्र विश्लेषण किया। सत्य है सत्य ये भगवान बताते, हमें इन दोनों धाराएं स्वीकार। अब इन संबंधी गुणस्थान, अब काय योग का गुणस्थानों में ज्ञान कराने के लिए आगे के 4 सूत्र कहते हैं। 307 पेज पर पहले 61वां सूत्र, काय जोगो ओरालिये काय जोगो ओरालिये मिस्य काय जोगो ये इंद्रिय पौरी जाव सजोगी केवल निंदी। काय योग में से औदारिक कायोग
और अवतारिक मिश्र कायो यह एक इंद्रिय जीवों से लेकर संयोग के सामान्य से कायो और विशेष की अपेक्षा औदारिक कायो और औदारिक मिश्र कायो एक इंद्रिय से लेकर संयोगी केवल ही गुण स्थान मिथ्या से लेकर अनादि से लेकर एक इंद्रिय से लिया अनादि से देखो दशानादि से चली आती तो वहां से लेकर काई योग ही होता है। इस प्रकार अवधारण नहीं होने से पूर्वोक्त गुण स्थानों में वचन योग और मनोयोग का अभाव नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार शेष योगों का भी कथन करना चाहिए। क्या कह रहे यहाँ योग का प्रयोग तो किया नहीं, क्यों नहीं किया? पहले वचन योग की भी चर्चा आई थी, वहां ये कहा था दो इंद्रिय से लेकर 14-13 में संयोग के लिए गुण स्थान वचन मनुयोग की चर्चा आई थी, शनि पंचेंद्र से लेकर संयोग के लिए गुण स्थान तक मनोयोग, ये भी इनके इनके साथ ही औदारिक और औदारिक मिश्र है, इसलिए ही का प्रयोग नहीं किया। यानी ऐसा अर्थ नहीं समझना कि इनके मात्र ये ही कार्य बाकी मनोयोग और वचन योग नहीं होते, ऐसा तो नहीं समझना। पहले जो मीमांसक कर चुके उसे साथ में लेकर के ही ये अर्थ समझना। शंका एक इंद्रिय से लेकर सयोगी केवली तक अवधारक मिश्र काई योगी होते हैं, ऐसा कथन करने पर देश विरत आदि क्षीण कषाय पर्यंत गुण स्थानों में भी अवधारक मिश्र योग का सद्भाव प्राप्त हो जाए। मरण पहले दूसरे और चौथे गुण स्थान में, इसलिए विग्रह गति में पहला दूसरा और चौथा गुण स्थान इनमें से कोई एक रहेगा, बाकी गुण स्थानों में मरण नहीं होता। यानी तीसरे में पांच में से लेके 13 में तो इनमें विग्रह गति नहीं बनी। विक्रय गति के बाद जब जीव उत्पत्ति स्थान पर पहुंचता औदारिक मिश्र का योग तब बनता। इन गुण स्थानों में तो मरण हुआ ही नहीं, तो विग्रह गति नहीं, विग्रह गति नहीं तो उत्पत्ति स्थान पर पहुंचना नहीं, और उत्पत्ति स्थान पर पहुंचना नहीं तो औदारिक मिश्र का योग भी नहीं। तो आपने जो कहा कि एक इंद्रिय से लेकर 13वें गुण स्थान तक औदारिक मिश्र का योग होगा, ये तो गलत शब्द हो गए। यानी तीसरे में पांच में से लेकर के 13वें तक यहाँ तो बन नहीं, कदाचित 13वें में आप समुद्रघात वाला घट चुका है, 12वें तक तो वो भी नहीं, तो तीसरा और पांच में से 12वां यहाँ तो समुद्रघात भी नहीं, इनके आप औदारिक मिश्र का युग कैसे करें? समाधान नहीं, क्योंकि यह प्रवृत्ति शब्द व्यवस्था और प्रकार रूप अर्थ में रहता है। ये इंद्रिय पौड़ी पौड़ी मतलब प्रवृत्ति, उनमें से यहां पर प्रवृत्ति शब्द प्रकार रूप अर्थ में गृहित किया गया है। यानी व्यवस्था और प्रकार इन दो अर्थों में प्रवृत्ति शब्द आत्मा, उनमें से यहां लेना प्रकार भेद।
जैसे सिंह प्रवृत्ति मृग 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 मतलब पशु। तो अब मृग का अर्थ कोई हिरण लगा ले तो वो व्यवस्थावाची अर्थ हो जाएगा, या भोग प्रकार यानी पशुवाची। इसलिए औदारिक मिश्र योग देश विरत आदि क्षीण कषाय तक के गुण स्थानों का ग्रहण नहीं होता, यानी जिनमें पाया जाएगा बस उनमें ही लगाएं, पहला दूसरा चौथा तेरवा बस ये लगाएंगे, बाकी के नहीं। अब कह रहे के लिए आप व्यवस्थावाची अर्थ लगाओ तो भी लग जाएगा, वो कैसे देखिए, अथवा व्यवस्थावाची भी प्रवृत्ति शब्द के ग्रहण करने पर कोई दोष नहीं आता, कैसे, अथवा औरालिय मिश्र काय जो अपज्यताना अर्थात औदारिक मिश्र कायुग अपर्याप्तकों के होता है, इस बाधक सूत्र के संभव होने के कारण ही पूर्वोक्त दोष नहीं आता। यह है ना व्यवस्था बनाने वाला, औदारिक मिश्र कायुग कब होगा अपर्याप्त दशा में, इससे व्यवस्था बन गई। जहां अपर्याप्त दशा होगी औदारिक मिश्र का योग उन मनुष्य त्रेंच के होगा, पांचवें गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक अपर्याप्त दशा नहीं है, तीसरे गुणस्थान में भी अपर्याप्त दशा नहीं है, वहां औदारिक मिश्र का योग नहीं होगा, तो व्यवस्था बाची अर्थ भी बन जाएगा। ये हुई मनुष्य त्रेंच संबंध की औदारिक कायुग और औदारिक मिश्र कायुग के गुण स्थान की चर्चा। अब हो वैकृत कायुग, अब हो वैकृत कायुग के स्वामी का प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। पहले अपन देख चुके कि वैकृत कायुग और मिश्र कायुग मात्र देव और नार उनके तो बस पहले से चार तक में से कोई गुणस्थान वही बनेंगे। यहाँ बेहोबे काय जोगो बेहोबे मिश्र काय जोगो सन्नी मिच्छा इत्थे पहुली जाव असंदर सम्मा इत्थे बैक्रे कायोग और बैक्रे के मिश्र कायोग संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक हो। यहां संगी मिथ्या दृष्टि मर करके पहले नरक तक असंग ही जा सकता और भवनवासी में भी असंग ही जा सकता, परंतु वो यहाँ पहले का वहां नियम से संगे देव नार की कभी भी असंगी नहीं है, नियम से संगी, इसलिए वो संगी बात चर्चा। और मिश्र कायुग तो वहां पहुंचने पर बनना है, इसलिए संगी, संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर असंग समय दृष्टि तक चाहिए। शंका, इस सूत्र में चार शब्द और अधिक जोड़ देना चाहिए अन्यथा समुच्चय रूप अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकेगा। क्या मतलब, आपने वैकृत काय और वैकृत मिश्र काय की चर्चा की है ना, तो पहले कहा था कि अग्नि और वायु काय में भी विक्रिया उनका भी समुच्चय करना, तो उनके कौन सा योग होगा बल्कि विक्रिया के समय, उसे भी इसी सूत्र द्वारा बता देते समाधान नहीं।
क्योंकि च शब्द के बिना भी समुच्चय रूप अर्थ का ज्ञान हो जाता है, जैसे पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावर। इस सूत्र में च शब्द के नहीं रहने पर भी समुच्चय रूप अर्थ का ज्ञान हो जाता। अपने यहाँ जो द्वंद्व समास रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मण च कहां लगा? नहीं तो ये तो जब हमने विग्रह किया था तब का रामश्च लक्ष्मणश्च, अब जब समास किया तो राम लक्ष्मण च कहां लगाए, और जब अर्थ करेंगे तो राम और लक्ष्मण, क्यों? क्योंकि सामासिक शब्द। ऐसे ही यहाँ ये भी सामासिक शब्द दोनों को जोड़ने वाला अर्थ अपने आप ही निकाला। अब स्पर्श प्रश्न, आपने कह दिया ये दोनों का योग संगी मिथ्या दृष्टि से असंग सम्यक दृष्टि, तीसरे सम्यक मिथ्या दृष्टि की, और पहले कह रहे थे उसके तो अपर्याप्तक दशा होती नहीं, तो फिर क्या होगा? अब ये समझ, सूत्र के कथनानुसार सम्यग मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाले के भी वैकृत मिश्र कायोग का सद्भाव प्राप्त होता है, क्योंकि तो सीधा अपने पहले से चौथे तक करते हैं। समाधान नहीं, क्योंकि इसका उत्तर औदारिक मिश्र कायोग प्रकरण में दिया है। कहाँ दिया है? कि अपर्याप्तकों में ही मिश्र कायोग होगा। ये जो उत्तर दिया था कि मिश्र कायोग अपर्याप्तक दशा में होता है, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में अपर्याप्तक दशा बनती नहीं, तो वहां मिश्र कायोग नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द व्यवस्था या प्रकार वाची होने से पूर्वोक्त दोष नहीं आता है, यानी अपर्याप्तक दशा में ही औदारिक मिश्र कायोग कोई सा भी मिश्र कायोग बन तीसरे गुणस्थान में अपर्याप्तक दशा नहीं होती, इसलिए चाहे मनुष्य जो होती चाहे देवनार की वहां मिश्र कायोग नहीं बनेगा। अथवा सम्मा मिच्छा इच्छिठाने नियमा पज्जता व्योभि मिश्र कायोगो अपज्जता, अर्थात सम्यग मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में जीव नियम से पर्याप्त ही होते हैं। सूत्र पहले आया था, अथवा वैकृत मिश्र कायोग अपर्याप्तकों के ही होता है, इन्हें दोनों सूत्रों से भी जाना जाता है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि के वैकृत मिश्र कायोग नहीं पाया जाता। तो पूरा निष्कर्ष क्या निकलेगा कि वैकृत कायोग तो पहले से चौथे तक और वैकृत मिश्र कायोग तीसरे को छोड़कर पहले से चौथे। अब आहारक कायोग, आहारक कायोग के स्वामी के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, आहार काय जो हो आहार मिश्र काय जो हो एकम ही जीव पमत संदधान, आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोग एक प्रमत संयत गुणस्थान में ही होते, यानी दोनों ही मात्र भसे एक ही गुणस्थान के छठी। शंका, प्रमाद रहित संयतों के आहारक कायोग क्यों नहीं होता? सातवें आदि में समाधान,
प्रमाद रहित जीवों के आहार कायोग उत्पन्न करने में निमित्त कारण का अभाव, क्या कहना चाहिए? पहले चर्चा कर चुकी थी आहार शरीर कब बनता है, लिखा था संशय का निवारण करने का भाव, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्य आदि जो कि दूरस्थ हैं उनकी वंदना आदि का भाव, केवल ईश्वर केवल के दर्शन आदि का भाव। यहाँ कह रहे ये सारे भाव प्रमाण ये होंगे तो आहार कायोग काय बनेगा, और आहार काय बनेगा तो आहार कायोग होगा। प्रमत्त रहित दशा में ये भाव ही नहीं, ये भाव नहीं, जब भाव नहीं तो कार्य कैसे होगा, इसलिए आहार काय भी नहीं बनता, और जब आहार काय नहीं बनता तो आहार कायोग भी नहीं बनता। बंधता बंधता बंध साधन मैंने सुना बंधता इन प्रकृतियों का बंध सातवें में उदय छठवें में उस समय अपन चर्चा की थी कि बंध उपाय उदय नीचे कितना बड़ा इससे संकेत, शंका समाधान करने का परिणाम भी प्रमाद, चैत चैत्यालयों के दर्शन आदि करने का परिणाम भी प्रमाद, केवल ही सुरत केवली के दर्शन करने का परिणाम भी प्रमाद, बाकी की तो बात क्या ये भी सब प्रमाद परिणाम, अपने प्रमाद तो कहां बैठेंगे, इन्हें इतने उत्कृष्टतम शुभ भाव और वे भी प्रमाद परिणाम, सीधे लौटते रहना जैसे उनका तो विषय के समय में उलझे रहना उनकी तो बात कौन, तो महाप्रमादी। यहाँ तो ये उत्कृष्ट स्वभाव वाले परिणाम देखिए प्रमाद, चूंकि ये होते हैं छठवें तक इसलिए, और आहार काय मुनिराजों के प्रमाद वाला गुणस्थान मुनिराजों का एक ही अकेला छठवां वहां होता, बाकी आगे पीछे आहार कायोग के उत्पन्न कराने में निमित्त कारण क्या है? ने आपने कहा कि निमित्त कारण का अभाव, तो क्या है निमित्त कारण? समाधान आज्ञा कनिष्ठ अर्थात आप वचन में संदेह जनित शिथिलता के होने से उत्पन्न हुआ प्रमाण, यानी कोई भी हमें संदेह हो रहा ना तो हम आज्ञा मानने में कमजोर कर दे कनिष्ठ हो गए, आप वचन में संदेह जनित शिथिलता के होने से उत्पन्न हुआ प्रमाण शिथिल हो गए, वो भी किसमें? जो पूर्णतया अप्रयोजन उसको लेके हम इतने परेशान हुए, शब्द का प्रयोग है गजता कनिष्ठता, कनिष्ठ हो गए छोटे आज्ञा कनिष्ठता अर्थात आप वचन में संदेह जनित शिथिलता
यानी आपके वचनों में संदेह हुआ तो ये हम शिथिल हो गए, हमारा श्रद्धा ज्ञान आचरण कमजोर पड़े। शिथिलता के होने से उत्पन्न हुआ प्रमाद और असंयम की बहुलता से उत्पन्न प्रमाद, यानी हम अधिक असंयम में नहीं रहना चाहते। आहार काय की उत्पत्ति का निमित्त कारण, दो कारणों से पैदा होता है। जो कार्य प्रमाद के निमित्त से उत्पन्न होता है वह प्रमाद रहित जीव में नहीं हो सकता, अन्यथा अति प्रसंग दोष आता है। मैंने पर तो चाहे जो परिणाम चाहे जिसके हो जाए, तो व्यवस्था ये कि जो परिणाम प्रमादियों के होते वे अप्रमादियों के नहीं हैं, ये मूल होता है। अब दूसरा, अथवा यह स्वभाव ही है कि आहार कार्य प्रमत्त गुण स्थान, प्रमत्त गुण स्थान बालों के ही होता है, प्रमाद रहित जीवों के नहीं। ये स्वभाव पहला उत्तर ही दिया, प्रमाद के कारणभूत परिणाम अन्य गुण स्थानों में नहीं, इसलिए वहां आहार काय नहीं। दूसरा उत्तर कि स्वभाव ही समझना कि आहार काय मात्र छठ में प्रमत्त गुण स्थान में ही होगा। अब अंतिम सातवां कायोग कारमण कायोग। अब कारमण कायोग के आधारभूत जीवों के प्रतिपादनार्थ आगे का सूत्र कहते हैं। कम्मे ये काय जोगो ये इंद्रिय पौड़ी जाव सजो केवल कारमण कायोग एक इंद्रिय जीवों से लेकर संयोगी केवल ही तक विग्रह गति एक इंद्रिय से ही है, उनमें उस संयोग केवल के दंड और सॉरी प्रत्यारोह लोक पूरण के समय। शंका, इस सूत्र के कथन से देश विरत गुण स्थान से लेकर क्षीण कषाय गुण स्थान तक भी कारमणि कायोग का अस्तित्व प्राप्त होता है। वही पहले वाला ही प्रश्न, समाधान भी पहले जैसे समाधान नहीं, क्योंकि संयदा संजद संयदाने नियमा पच्यता, अर्थात संयता संयत और संयत गुण स्थान में जीव नियम से पर्याप्त होते हैं। तीसरा गुण स्थान भी इसमें जोड़ नहीं, उसमें भी नियम से पर्याप्त। इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर कारमण कायोग का अभाव ज्ञात हो जाता, यानी ये गुण स्थान यानी तीसरा और पांच में से लेकर के बारहवें तक ये सभी पर्याप्तों के ही बनते और कारमण कायोग तो विग्रह गति में होता, तो वहां ये गुण स्थान नहीं है। दूसरे, समुद्रघात को छोड़कर पर्याप्त जीवों के कारमण कायोग नहीं पाए गए, समुद्रघात में भी केवल समुद्रघात बाकी में नहीं। कारमण कायोग का संबंध सात समुद्रघातों में से केवल समुद्रघात के प्रतर और लोकपूरण हिस्से से, बाकी समुद्रघातों में कारमण कायोग नहीं। अब इस पर से प्रश्न, पर्याप्त जीवों में कारमण कायोग क्यों नहीं होता है? समाधान, विग्रह गति का अभाव होने से उनके कारमण कायोग जहां विग्रह गति होगी एकम दो तीन वन आहार का,
वहां ही अनारक दशा बनेगी, कर्म ही कायो इन गुण स्थानों में विग्रह गति होती नहीं पर्याप्त दशा में, इसलिए यहाँ कार्मिक काम होंगे। अब प्रश्न बहुत बढ़िया, पहले विग्रह का अर्थ बोड़ा भी लिया उसको लेकर के प्रश्न, देव और विद्याधर आदि पर्याप्त जीवों के भी वक्र गति पाई जाती है, उन्हें भी अपने विमानों से आते जाते टेढ़े वाले मोड़ वाले, समाधान नहीं, क्योंकि पूर्व शरीर को छोड़कर आगे के शरीर को ग्रहण करने के लिए जाते हुए जीव के जो एक दो या तीन मोड़े वाली गति होती है वही गति यहाँ पर वक्र गति रूप से बाटती नहीं, निश्चित पुराना शरीर छूट गया नया शरीर पाने के लिए गमन हो रहा है उस समय जो मोड़ वाली गति होती उसका ही नाम विग्रह गति, शरीर धारण करने के बाद फिर विग्रह गति आदि वाला मोड़ आदि का कोई प्रश्न खड़ा नहीं। अब इन तीन योगों को स्वामी के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, अभी तक तो सबका अलग अलग बताया, अब तीनों योग जिनके सैनिक पंचे में उनका, फिर दो योग जिनके यानी दो इंद्रिय से लेकर के असैनिक पंचे में उनका, और फिर एक योग जिनका यानी एक इंद्रिय, अब उनकी चर्चा अलग अलग विषय की स्पष्टता जिससे हो इसके लिए 310 पेज पर। अब तीन योगों के स्वामी के प्रतिपालन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, मन योगो बची योगो काय योगो सन्नी मिच्छा इत्थे पौरी जाव सजोगी केवल मुक्ति, मनोयोग वचन योग और काय योग संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोगी ही केवल मुक्ति, मनोयोग क्यों मुक्ति, मनोयोग इतना चाहिए जैसे वचन योग लिखा काय योग के ऐसे मन योग लिखना चाहिए, मनो क्यों लिखते, थोड़ा सा उपयोग तो बनेगा ना, याद रखना मूल शब्द है मनस, मन नहीं है मूल शब्द, वचन तो मूल है काय भी मूल, तो सीधा उसके साथ योग जोड़ दिए, मन में मन मूल शब्द है ही मनस सा हलन, ये है मूल शब्द, जो उसके साथ जोड़ेंगे योग तो फिर वो सा का रू और उनका 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 उ सो इस तरह से मन, यानी अपन जो सामान्य से मन कहने लगते ना ये अपना उच्चार ही बनता है या मनो मनोगुप्ति, मनगुप्ति में लिखने में तो मनोगुप्ति लिखेंगे, बोलने में मनगुप्ति पछली, मन कोई शब्द ही नहीं मनस मनोयोग, ये तीनों योग संगी मिथ्या दृष्टि से देख सहयोग के रही तीनों स्थान, सत्य आदि चार प्रकार के मन में जो अन्वय रूप से रहता है उसे सामान्य मन कहते, यानी कोई भेद मत कर सामान्य मन मनोयोग,
उस मन से, अब ये शंका क्यों खड़ी की अथवा ये विश्लेषण क्यों, क्योंकि तो पहले ये कहा था कि असप्त मनोयोग और उभय मनोयोग ये मात्र 12 मीटर, तो यहाँ कह रहे 13 मीटर, बात टकरा रही ना, नहीं टकरा, क्यों? यहाँ सामान्य चर्चा, वो विशेष चर्चा, यानी यहाँ सामान्य मनोयोग तो वो तो 13 मीटर, जब भेद करेंगे तो असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग ये 12 मीटर और सत्य और अनुभाई के लिए। तो सत्य आदि 4 प्रकार के मन में जो अन्वय रूप से रहता, अन्वय बराबर निरंतर मन 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 ऐसा, उसे सामान्य मन कहते हैं। और उस मन से उत्पन्न हुए परिस्पंद लक्षण वीर्य के द्वारा जो योग होता है उसे मनोयोग कहते, यानी यहाँ सामान्य मनोयोग जिसमें सामान्य से सभी भेद गर्भ उस संबंधित आत्म प्रदेश पर स्पंदन ये मनोयोग। यही स्थिति वचन योग में भी, क्योंकि वचन में भी कहा था कि असत्य वचन योग और उभय वचन योग ये मात्र 12 मीटर और यहाँ तो 13 मीटर तक है, यहाँ भी वही अपेक्षा। 4 प्रकार के वचनों में जो अन्वय रूप से रहता है उसे सामान्य वचन कहते, उस वचन से उत्पन्न हुए आत्म प्रदेश परिस्पंदन लक्षण वीर्य के द्वारा जो योग होता है उसे वचन योग कहते हैं। वो जो मोक्ष प्रकाश की पंक्ति है, न्याय ग्रंथों की पंक्ति, सामान्य शास्त्र को नूनम विशेषो बलवान भव, ये ऐसे प्रकार सामान्य से तो आपने 13 मिनट तक कह दिया, तो जब विशेष कहेंगे तो 2 मात्र 12 मिनट तक। अब टकराहट यानी विशेष बलवान होता, टकराहट वाली है। 7 प्रकार के कायों में जो अन्वय रूप से रहता है उसे सामान्य काय कहते हैं, यानी अभी अलग अलग भेद नहीं, क्यों? क्योंकि गुणस्थान एक से बता रहे हो तो आप ये अर्थ निकाल लो, इसका मतलब वैकृत कायों भी 13 मीटर रहता होगा, आहारक काय भी 13 मीटर, यहाँ सामान्य काय। उस काय से उत्पन्न हुए आत्म प्रदेश परिस्पंद लक्षण वीर्य के द्वारा जो योग होता है उसे काय योग कहते हैं। ये योग 3 होते हुए भी 6 की अपेक्षा त्रियात्मक एक रूपता को प्राप्त होकर संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवल ही गुणस्थान प्राप्त होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बोल में तो भेद 3 हो गए, मनोयोग वचन योग कार्योग, परंतु इन सब में छायोक्षमिक ज्ञान, छायोक्षमिक दर्शन, छायोक्षमिक वीर्य, अंगोपांग आदि नाम कर्मों का उदय, ये निमित्त पद ये सब में सामान्य, इसलिए ये 3 नहीं हो करके 1 होगा, यानी योग सामान्य। और इस तरह से उसकी चर्चा करके कहा कि तीनों ही सम्यक मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवल होते। अब क्रम से में जो अंतर पढ़ना है उसे आगे देखेंगे। जी।